नमस्कार, जे एसएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग झारखंड का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं 2023 का। और आप लोगों को ये भी पता है कि हम लोगों ने दो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ लिया है, बजट पढ़ लिया है और आपका वन रिपोर्ट पढ़ लिया है। जितने तरीके से भी क्वेश्चन घुमा के आ सकते थे, उन हर एक तरीकों को मैंने ऑलरेडी कम्प्लीट कर दिया है। आप चाहे जेएसएससी के एग्जाम दीजिए, चाहे जेपीएससी के एग्जाम दे, चाहे सीडीपीओ के एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम में उससे बाहर क्वेश्चन एकदम नहीं आने वाला है, दैट इज श्योर। तो आप उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैं इतने श्योर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे पैटर्न क्वेश्चन के देखे हैं और मैंने बजट को तीन पार्ट में कम्प्लीट कराया है और तीनों बार अलग अलग टाइप से मैंने रिवाइज करवाया आपको विथ MCQ। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन बड़े आराम से वहां से आ जाने चाहिए। आप जहां पर भी टेस्ट सीरीज भी अगर आप देते होंगे तो आपको पता चल रहा होगा क्वेश्चन सारे वहीं से आ रहे हैं। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लोगों के मन में कि सर योजना कितना साल का कर ले हम लोग, तो अब मैं आपको बताता हूं कि कोई भी योजना लागू होता है सरकार के द्वारा, वो सिर्फ एक साल के लिए नहीं होता है, हमेशा वो एक्सटेंड हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हेमंत सरकार के टर्म में जो भी योजनाएं लागू हुई हैं, वो कहीं ना कहीं किसी भी स्तर पर कहीं ना कहीं वो चल रही हैं। इसका मतलब है कि आपको कम से कम इनका टेन्योर का, जो 2019 में ये आए हैं दिसंबर में, उनके बाद जितनी भी योजना इन्होंने लाया है, वो सारी योजनाओं को हम लोगों को बहुत अच्छे से देखना होगा। और यहाँ पे मैं जो आपको PDF भी दूंगा और साथ में आपको मैं बताऊंगा कि JPSC वाले कौन से एरिया में फोकस करें और JSSC CGL वाले कौन से एरिया में फोकस करें। अगर आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, तो आपको पढ़ना हो तो पहला बार में पूरा पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है कि अगर आप एक क्वेश्चन भी छोड़ के जा रहे हैं तो अपने आप में आप पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो मैं इसको बहुत अच्छे ढंग से कवर करने का प्रयास करूंगा, आपको मैं PDF नोट्स दे दूंगा और शॉर्ट में बताऊंगा कि समरी क्या है इसका और एग्जाम में क्या आपका इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा ये योजना आया क्यों। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिरसा हरित ग्राम योजना। आपको नाम से पता चल रहा होगा हरित ग्राम योजना, और मैंने थंबनेल वैसा ही डाले हैं, कुछ पेड़ पौधे से रिलेटेड है ये, क्लियर है। अब पेड़ पौधे रिलेटेड क्या है, सरकार ने इस योजना के बारे में क्या सोचा और क्या प्रायोजन है, ये हम लोग पहले समझ लेते हैं। ये PDF मैंने तैयार किया हुआ है, इस तरह का PDF आपको मिल जाएगा, हमारे एप्लीकेशन में जाइएगा तो वहां पे आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो योजना रहेगा, उसके बीच में यहाँ पे योजना का नाम रहेगा और योजना के बारे में पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे। तो बात ऐसा है कि जब कोविड 19 आया था तो हम लोगों को पता है कि जितने भी सारे प्रवासी मजदूर थे, वो लोग सब वापस झारखंड लौट रहे थे। अब जब झारखंड लौट रहे थे तो इसका मतलब क्या है, पहले तो ये हम लोग समझना पड़ेगा कि वो लोग बाहर क्यों गए थे। बाहर वो लोग पैसा कमाने गए थे, क्योंकि झारखंड में रोजगार था नहीं। अब जो लोग वापस झारखंड आ रहे हैं तो उसके लिए रोजगार तो देना पड़ेगा झारखंड सरकार को। तो उसी के लिए देखिए, पहला पॉइंट इसलिए मैंने लिखा हुआ है, योजना कब और क्यों। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन ने 6 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए 3 रोजगार योजनाएं शुरू की। 3 योजना शुरू हुआ था एक ही दिन, जो कोविड के दौरान चरणबद्ध तरीकों से राज्य में वापस लौट रहे थे, जो धीरे धीरे करके वापस लौट रहे थे, उनके लिए 3 योजनाएं शुरू की गई। 3 ग्रामीण रोजगार योजनाओं को शुरू कर रही घोषणा कब किया गया, जब प्रवासी लौटने लगे उसके 3 दिन के बाद, 4 मई 2020 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रख लीजिए, खासकर JPSC वाले तो एकदम रट लीजिए इसको, कि 4 मई 2020 को 3 योजना का शुरुआत हुआ था। कौन कौन मैं बताऊंगा, पहला तो बिरसा हरित ग्राम योजना हो गया, दूसरा आपका हो गया पोटोहो खेल विकास योजना, और तीसरा हो गया आपका नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना। ये तीनों योजना एक दूसरे से कैसे इंटरलेटेड है, मैं भी आपको बताऊंगा यहाँ पे, क्लियर है। तो अभी तक क्लियर हो गया आपका कि हेमंत सरकार ने क्या सोचा कि भैया बाहर से लोग आ रहे हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो 3 योजना लेकर के आ गया। अब ये 3 योजना कैसे इसको मदद करेगा वो हम लोग देखते हैं। अभी आपको याद क्या करना है कि ये योजना कब आया, 4 मई 2020 को, मतलब मई हमारे एकदम गर्मी का मौसम रहता है, एकदम उस समय लेकर के आया 3 योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या था, इस योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। जो अर्थव्यवस्था हमारा प्रभावित हो गया था, सब काम धाम सब ठप पड़ गया, तो उसको धीरे धीरे पुनर्जीवित करना था। अब ये जो तीनों योजना था, तीनों योजना चलाया जाएगा मनरेगा के तहत। तो क्वेश्चन आपका दूसरा यहां से ये बनता है कि बिरसा हरित ग्राम योजना
किस के तहत यहाँ पे चलाया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है, कितना ही बार पूछ लिया है। आप ध्यान रखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मनरेगा के तहत इसको शुरुआत किया गया है। अब क्या होता है मनरेगा, मनरेगा आप लोगों को पता है क्या होता है कि रोजगार दिया जाता है जो लेबर ग्रेड के लोग हैं, जो कमाने के लिए बाहर जाते हैं, उनके लिए यहाँ पे काम करने के लिए दिया जाता है कि आप सरकार की तरफ से आपको इतना काम करने का दिन दिया जाएगा। इसके लिए आपका जॉब कार्ड भी बनता है, लोग जानते होंगे जॉब कार्ड के बारे में। तो इसके तहत क्या किया गया है कि 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया। अब ये 25 करोड़ मानव दिवस क्या है इसको समझिए। मान लीजिए कि 10 आदमी केरला से आए हैं और सरकार अगर उसको एक दिन का काम देगा सबको, तो 10 दिन जाएगा उसका, मतलब 10 मानव दिवस जाएगा। तो अगर 10 आदमी अगर मान लीजिए 100 दिन तक काम सरकार दिया उसको, तो कितना मानव दिवस उसका जाएगा, इंटू कर दीजिए, मतलब 10 × 100 मतलब 1000 मानव दिवस। तो सरकार का क्या 25 करोड़ मानव दिवस का यहाँ पे सृजन किया जाएगा। तो सोचिए कितना लोग यहाँ पे आए होंगे और कितने दिन का यहाँ पे दिया गया, तो काफी बड़ा और अच्छा खासा यहाँ पे मानव दिवस का सृजन यहाँ पे रोजगार का किया गया है। ये हो गया आपका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके शॉर्ट नोट्स में क्या होना चाहिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए पीडीएफ तो मैं दे दूंगा, आपके मोबाइल और लैपटॉप में भी हजारों पीडीएफ पड़े होंगे, आपको भी पता है पीडीएफ कितना पड़े होंगे अभी तक, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम के अंत में जो आपको काम आता है आपका शॉर्ट नोट्स ही काम आता है, ये तो फैक्ट है भाई। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया रोजगार के परस्पेक्टिव से, लोगों के परस्पेक्टिव से कि हम लोग ये योजना शुरू करना चाहिए, मानव दिवस हो जाएगा। इसके तहत सरकार का अपना भी एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? जो हमारा झारखंड का जो जमीन है 2 लाख एकड़ जो प्रति पड़ा हुआ है, उस पर हम लोग उपयोग करेंगे उसका। किसके तहत? बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत। कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, जितना भी परिवार के लोग आ रहे हैं उसको क्या करेंगे, 5 लाख परिवारों को 100-100 पेड़ दे देंगे हम लोग। कौन कौन सा पेड़ देंगे? आम, अमरूद, नींबू, ये सबका मिला जुला करके हम लोग 100 पेड़ दे देंगे। तो उससे क्या होगा, स्टार्टिंग वो लोग क्या करेंगे, प्रारंभिक में वृक्षारोपण करेंगे, उसके बाद रख रखाव करेंगे, भूमि का कार्य और वनी कार्य मनरेगा के माध्यम से लिया जाएगा। मतलब समझिए कि 5 लाख परिवारों को 100 फल दे दिया गया। अब जब फल लगाना है तो उसके लिए गड्ढा कोड़ना होगा, उसका रख रखाव करना होगा, तो उसके लिए मनरेगा के तहत यहाँ पे काम कराया जाएगा। अब यहाँ जो गड्ढा कोड़वाया जाएगा वो किसके द्वारा करवाया जाएगा? वो करवाया जाएगा जो प्रवासी लोग आए हैं बाहर से, उनको तो काम चाहिए और काम सरकार लेगी तो पैसा तभी तो देगी, तो उनको बोलेगा देखो अब तुम लोग बाहर तो काम करने के लिए जाना नहीं है, तुम लोग आके गड्ढा कोड़ो। किसके तहत? मनरेगा के तहत। और मनरेगा के तहत हम लोग बिरसा ग्राम हरित योजना के तहत क्या करेंगे, पेड़ लगवा देंगे और सरकार का फायदा होगा, इनको भी काम मिल जाएगा। तो ये है सरकार की योजना। अब क्या देखिए आगे सरकार का क्या उद्देश्य है, अगले कुछ महीनों में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद है। अब देखिए 5 करोड़ जब फल लग जाएगा तो क्या होगा, इससे जो परिवार को दिया जाएगा उसका भी फायदा होगा, सरकार का अपना GDP भी बढ़ेगा और निर्यात भी हमारा बढ़ेगा, तो दोनों तरफ से यहाँ पे फायदा हो रहा है। अब देखिए अब क्या होगा, जितना भी सारा यहाँ पे पौधा लगेगा उसके लिए सरकार क्या करेगा, बाजार प्रोवाइड करा देगा यहाँ पे, मतलब आप जहां जाके बेच सको उसको। उसके बाद क्या होगा, 3 वर्ष के बाद, अनुमान है कि 3 वर्ष का अगर आप रख रखाव करेंगे पेड़ का तो फल देने लगेगा अच्छा खासा, क्योंकि आजकल तो जो पेड़ होते हैं वो कम समय में ही फल देने लगते हैं ना, ऐसे ऐसे पेड़ आ गए हैं। तो 3 वर्ष के बाद ऐसा अनुमानित है कि हर एक परिवार को 50,000 रुपया सालाना का एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा उसका, बस खाली जब मौसम आएगा पेड़ का आम अमरूद नींबू तोड़िए जाके बाजार में बेचिए, आपका 50,000 सालाना आपका वहां से अनुमानित आ जाएगा। हालांकि जो जमीन रहेगा, जमीन का जो स्वामित्व मतलब जमीन का जो मालिकाना हक रहेगा वो किसके पास रहेगा, सरकार के पास। सरकार आपको जमीन नहीं दे दे रही है, उस पर जो पौधा कर रहे हैं उसका पट्टा आपको दिया जा रहा है, वही यहाँ पे है, उनको पौधों का पट्टा दिया जाएगा। पट्टा मतलब क्या कि ये पौधे जो है ये फलना आदमी को बिलोंग करता है, जिससे वो फलों से आमदनी कर सके। तो क्लियर हो रहा है। इसके तहत क्या है, रोजगार में बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब जिनका सहारा थोड़ा कम है उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के जरिए कहाँ कहाँ पेड़ लगाया जाएगा, सड़क के किनारे, सरकारी भूमि में, व्यक्तिगत या घर मजरुआ भूमि पर भी फलदार पौधे लगाया जा सकता है। अब ये योजना है
वो सीधे अब हेमा सोरेन तो यहां से देख रेख नहीं करेंगे ना, वो क्या करेंगे पूरा एकदम ग्राम लेवल पे पहुंचा देंगे। तो इसके लिए क्या होगा, जो कार्यान्वयन है वो जिलावार किया जा रहा है, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो उपायुक्त जो डीसी रहेंगे उनको यहाँ पे अपना टारगेट दे दिया जाएगा। डीसी अपना देखेंगे, अनुमंडल को, अनुमंडल वाले अपना ब्लॉक को देखेंगे, ब्लॉक वाले अपना ग्राम पंचायत वगैरह को देखेंगे, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। तो इसके तहत क्या है, हर एक जो जिला है उसमें 1400 एकड़ प्रति जमीनों को चिन्हित करके उस पर वृक्षारोपण शुरू कर दिया गया है। मतलब हर एक जिला में, मतलब 1400 एकड़ रामगढ़ में भी होगा, 1400 एकड़ रांची में भी होगा, जो प्रति जमीन है वहां पर वृक्षारोपण शुरू कर दिया गया है। तो ये है आपका चौथा पॉइंट जो आपको याद करना, बाकी तो कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। फायदे के बारे में क्या है, देखिए जो सरकार का जो भूमि है, हमारा अधिकतर पठारी वगैरह पहाड़ी इलाका है, वो जो प्रति बेकार पड़ा रहता है वो उपजाऊ हो जाएगा। दूसरा क्या आएगा, जो हमारा फल आएगा उससे हमारा निर्यात से हमारा जो आमदनी है वो भी बढ़ जाएगा। हमारा जो अच्छी अच्छी फसल है जैसे आम्रपाली, मल्लिका प्रजाति का आम जो है, फिर L49 और इलाहाबादी सफेद प्रजाति का अमरूद है, ये सब हमारा अब निर्यात होने लगेगा। और क्या किया गया है यहाँ पे कि जो फलदार पौधे लगाएंगे यहाँ पे उसके चारों तरफ क्या किया गया है कि इमारती लकड़ी भी आप लगाइए, शीशम का पेड़ लगाइए या कुछ और पेड़ लगाइए, सागौन का पेड़ लगाइए, इस तरह करके इमारती लकड़ी भी आप लगाए, उससे भी आपका आगे वृद्धि होगा। 1000 एकड़ प्रति भूमि यूं ही बेकार पड़ा था और उसका आर्थिक उपयोग होगा, इससे राज्य के आय में क्या होगा, वृद्धि होगा और प्रति व्यक्ति आय भी हमारी बढ़ेगी। अब इसके तहत जो पौधों का देखभाल होगा उसके लिए क्या किया गया है, स्थानीय स्तर पर महिलाओं का एक समूह बनाया गया, इसको बोलते हैं बागवानी सखी। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना, वैसे बागवानी सखी यहाँ पे बनाया गया है जो उसका देख रेख करेगी। 5 एकड़ जमीन के फलदार पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है और इससे क्या होगा, इनकी भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो मेरे ख्याल से ये काफी अच्छी योजना है अगर ये अच्छी तरह से चल रही है तो, है ना। तो ये योजना हमारा पूरा का पूरा खत्म होता है। अब हमको JSSC वालों को क्या याद रखना है, JPSC वालों के लिए तो शुरू से मैंने बता दिया, JPSC वालों को ये याद रखना है सबसे पहला कि बिरसा हरित ग्राम योजना किससे संबंधित है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, वृक्ष लगाने से, गड्ढा कोड़ने से, बहुत सारा जंगल बनाने से, बहुत सारा ऑप्शन आएगा, ऐसे करके आएगा। JPSC वालों को क्या क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में गलत है। आपको क्या करेगा वहां पे, पहला ऑप्शन रहेगा इसकी घोषणा 4 मई 2022 को किया गया था, आपको डेट ही नहीं याद रहेगा 2020, तो वही गलत होके आ गया। तो JPSC वाले को खास ध्यान रखना है डेटा के बारे में, और JSSC वालों को कंसेप्ट भी ध्यान रखना है और कुछ कुछ डेटा, जैसे योजना की घोषणा कब हुई, इसके तहत मानव दिवस का सृजन कितना किया गया, ये सब अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेंगे JSSC वाले काफी हैं। लेकिन मैं तो बोलूंगा कि पूरा समझ समझ के आप देखें, क्योंकि मैं समझाने में यहाँ पे कोई कमी नहीं कर रहा हूँ आपको। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे घोषणा की तिथि 4 मई 2020 को एकदम याद करना, कोविड वाला टाइम 2020, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमारे थे उस समय। उद्देश्य क्या है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य क्या है, 5 करोड़ फलदार पौधे लगाने का है। आवंटित भूमि कितना है, 1400 एकड़ प्रति भूमि हर एक जिला में, और मानव दिवस कितना होगा, 25 करोड़ मानव दिवस, और और 3 साल के बाद कितना पैसा आएगा हर एक परिवार को, वो 50,000 रुपया परिवार को आने का उम्मीद है। यहाँ पे आप सरकार के द्वारा फोटो भी जारी किया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 लाख परिवारों को 100-100 फलदार पौधा दिया जाएगा। 5 करोड़ का टारगेट है, अगले 5 साल में पौधों को सुरक्षित करने का भी सहयोग है ना। 50,000 की निश्चित आमदनी होगी, 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। तो ये एक शॉर्ट में यहाँ पे है, लेकिन इसके अंदर की सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया। और ये जो मैं PDF दे रहा हूँ आप देख लीजिए, आप कोई भी करंट अफेयर का बुक उठा के देख लीजिए, मैगजीन उठा के देख लीजिए, जितना मैं कॉन्टेंट यहाँ पे आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बेसिकली से क्या है, सारे रिसर्च बेस्ड है, मैं रिसर्च करके आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आप इसका फायदा उठाइए और हमसे जुड़िए। और अगर इस तरह का PDF आपको कहाँ से मिलेगा, आपको PDF मिलेगा हमारे टेलीग्राम से। तो टेलीग्राम में आपको सर्च करना है JSSC एजुकेशन, या फिर अगर आपको प्रॉब्लम होता है जुड़ने में तो इस नंबर पे आप हाई लिख के व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सारे चीज़ का लिंक चला जाएगा। और हमारे ऐप में आप ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, हमारे ऐप में वेरियस कोर्सेज JSSC JPSC चल रहे हैं विथ अफोर्डेबल प्राइसेस विथ क्वालिटी कंटेंट। मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि जो मैं करंट अफेयर यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ या फिर मैंने जो झारखंड GK पढ़ाया है, अगर आप दोनों को कंबाइन करके कर लेते हो, है ना,
तो आपका जो मार्क्स आएगा आप टॉपर्स के आसपास रहोगे, इतनी मेरी गारंटी है आपके, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने कंटेंट पे भरोसा कर रहा हूँ और आपके मेहनत पे भरोसा कर रहा हूँ। आप ये चीज कीजिए, आप बहुत फायदे में रहेंगे। तो ये रहा आपका पूरा बिरसा हरित ग्राम योजना। अगले क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, या फिर पोटो हो खेल विकास योजना पढ़ लेंगे, या तो हम लोग नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना पढ़ लेंगे। तो लेट्स रैप अप हियर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।